एडमिशन्स ना मिले तो नौकरी कहाँ है। समाजवादी पार्टी ये संकल्प दिलाती है कि आने वाले समय में नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिले, उस दिशा में काम करना होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बीजेपी की दो सरकारों का विकास दिखना चाहिए, दो सरकारों का विकास। लेकिन जिन वादों को बीजेपी ने जनता में रखे थे, आज किसी वादे को पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, कोई भी सपना दिखाएं लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग ये कहते हैं विकसित भारत बनेगा, क्या बिना किसानों की आय बढ़े विकसित भारत कैसे बनेगा? जो कहते हैं विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, जब रोजगार बड़े पैमाने पर होंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जो निवेश का सपना दिखाया, आज उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है। और आपने हमने सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में निवेश का आयोजन कर रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये संकल्प लिया उनके सामने कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गुजरात में चला जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो 40 लाख करोड़ का हिसाब लगा करके बैठे थे, उनके पास निवेश क्या आएगा? तो निवेश आ नहीं रहा। सरकार केवल इवेंट, कार्यक्रम, योजनाओं में पैसा डाइवर्ट कर रही है। और इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट और ज़मीनों पर कब्जा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में अधिकारियों ने मिलकर के बीजेपी नेताओं के साथ किया है। आज अगर भूमाफिया पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी जिला उठा करके देख लो, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ उठा करके देख लो, अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनों का कारोबार, ज़मीनें कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। इतिहास में ऐसा देखा गया है और इसे रुक नहीं पा रहा है, इसका क्या अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद को लेकर के जातियां खत्म हो, और एक समय ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सम्मेलन में जाना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनको जाने से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी भाषण को अपने ऐसे के रूप में एनिमिलेशन ऑफ कास्ट सबके सामने रखा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी ज़िंदगी भर इस बात का प्रयास करते रहे कि जाति खत्म हो, जातियां टूटें। और नेताजी से लेकर के जितने भी समाजवादी आंदोलन चले हैं उन्होंने जातियां तोड़ने का काम किया, या जातियां कैसे टूटें उस दिशा में काम किया, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, या पुराने तमाम नेता जिनके हम नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी भी समाज में जातियां नहीं ख़त्म हुई, जातियों का भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, और पॉलिटिकल उससे क्या लाभ मिल जाए, क्योंकि आय दोगुनी बता नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी दी नहीं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज़ को वो भुलाना चाहते हैं।